हमने क्या बोला भाई, देखिए हमने बोला कि साइन इनवर्स एक्स को टैन में बदलना है या कॉट में बदलना है या सेक में बदलना है। कॉसेक में बदलना तो आसान है, कॉसेक में बदलना तो आसान है, लेकिन इनमें कैसे बदलेंगे देखिए, समझिए अच्छे से। अभी मैं x को केवल पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, कैसे लेकर चल रहा हूँ, पॉजिटिव। नेगेटिव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या होगा, मैं केवल पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो फॉर्मूले सिखा रहा हूँ केवल पॉजिटिव के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या मिलेगा, केवल पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव पे काम कैसे करते हैं वो भी हम तो मैंने कल सिखाया था, वो भी हमने समझा दिया। चलो हम बात करते हैं, साइन वर्स एक्स का मुझे फॉर्मूला बताना है, नहीं समझ में आ रहा कैसे बताएं, कोई बात नहीं। तो साइन वर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लो, वाई। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन वाई। आराम से कहानी क्लियर हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से बना एंगल वाई और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहां से सॉरी हाइपोटेनस, अब यहां से मुझे निकालना है बेस, बताओ बेस क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, बी का स्क्वायर, हाँ बताओ, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। क्या इतना सोचने में कोई टाइम लगेगा, बेस निकालना है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस सॉरी आपको परपेंडिकुलर निकालना तो भी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये मान लो एक्स दिया जाता ये वन रहता तो भी क्या आता, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर ही आता। लेकिन अगर हाइपोटेनस निकालना होता, ये वन है ये एक्स है, तो क्या हो जाता, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। बातें पूरी क्लियर हैं, चलो अब इसको समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन, तो यहाँ से क्या हो गया, हमें निकालना है टैन, चलो हम निकाल लेते हैं टैन निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे सेक भी निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे कॉस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे और क्या क्या निकाल लें बताओ, कॉट निकाल लेते हैं, चलो कॉट भी निकाल लिया, कॉसेक तो यार उल्टा ही होता है ना, सीधे फॉर्मूला बन जाएगा। इतना बताओ टैन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, यानी कि एक्स अपॉन इसका बोलो, क्या बोलेंगे, एक इन वन अपॉन अंडर रूट माइनस, इसका बोलो अंडर रूट अपॉन वन को क्या बोलोगे, है ना, इसको बोलो अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बोलो समझ में आया। तो यहां से वाई बराबर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा वाई बराबर, सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। और वाई के इक्वल टू हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब यहां से फॉर्मूला बन गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बताओ समझ में नहीं आया। तो बात रही प्रूविंग के, तो ऐसे प्रूविंग करनी है आपको, जिसका मान जिसके रूप में निकालना निकाल के रख देना, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन मान लो हमें सीधे फॉर्मूले याद करने हो या बताने हो, हमें प्रूफ ना करना हो, तो वाई मानने की जरूरत है क्या, बोलो वाई मानने की जरूरत है क्या, नहीं। हम सीधे सोचेंगे, हम सीधे सोचेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, समझ में आएगा ना। तो यही समझ में आ गया, एक्स अपॉन वन का मतलब हुआ ये एक्स हो या अदर वन हुआ, तो क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेस क्या बनेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। किसने पूछा टैन इनवर्स में फॉर्मूला बताओ, तो टैन इनवर्स पी बाई बी, तो पी की वैल्यू कितनी है एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे रख के बता सकते, नहीं बता सकते हैं कि टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में क्या बात आ गई। चलो हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं इसको, अभी ये प्रूविंग करने का तरीका है, प्रूफ करने का तरीका समझ आया, ठीक है।
जिसका पूछे उसका, यानी सभी का बना के रख दो। हमने सभी का बनाया क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं। तुम्हें एक का पूछा जाएगा किसी का, है ना, साइन को टैन के टर्म में या टैन को कॉस के टर्म में, इस टाइप से ना। चलो मैं नया बना लेते हैं फॉर्मूला। इस बार हम बनाते हैं कॉस का, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। अब मैं इधर ध्यान दो भाई, इधर पूरा फोकस होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का बोलो क्या हो जाएगा। कॉस इनवर्स का मान लो साइन के टर्म में बनाना है, किसके टर्म में, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, हाँ आधार बटे कर्ण, है ना, आधार हो गया कर्ण हो गया, कहानी क्लियर है। चलो बताओ लंब क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है एक। बोलो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। अब अगर मुझे टेन बताना, टेन बराबर क्या होता है, लंब कितना है यहाँ पर, लंब आया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आधार कितना आया एक्स, यानी कि अंडर रूट माइनस स्क्वायर अपॉन एक्स। बोलो समझ में आ रहा है। फॉर्मूला बनाना सीख लोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं है, याद हो जाते हैं। और याद सीधे रट्टा मार दोगे ना तो इतनी कन्फ्यूजन आ जाएगी तुम हैरान हो जाओगे, भाई किसी में क्या लग रहा है किसी में क्या लग रहा है, ध्यान से देखो इसमें इसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तुम हैरान हो जाओगे, है कि नहीं है, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। कितना भी रट्टा मारो तुम इसमें कन्फ्यूजन हमेशा बनाए घूमोगे। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बनाना सीखो, है ना, समझ आ रही है। चलो तुम बताओगे हीरो, अब मैं सबसे पर्सनली पूछूंगा। अगला मुझे बताना है इसमें सेक का, किसका बताना है, सेक का, बताओ सेक का क्या होगा। अरे बताओ खड़े होकर बोलो, बनाना नहीं है, खड़े होकर बोलो सेक का क्या होगा। भाई सेक का फॉर्मूला पहले होता है क्या, पहले बताओ। सेक का कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण यहाँ पे कितना है, आधार कितना है एक्स, तो कर्ण बटे आधार बोल रहे हो ना, तो कर्ण कितना होगा वन, और आधार कितना होगा तो क्या बनेगा वन अपॉन एक्स। और वैसे भी ये कॉस का उल्टा है तो सेक इनवर्स है, तो जाहिर है उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन एक्स बन रहा था। बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि चलाओ। हमने पहले बोला हाँ में हाँ मत मिलाओ। एक चीज और याद रखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, ना आते हुए भी आने का ढोंग करना बहुत गलत बात है। मेरी बात सुनो, मैंने अभी क्या बोला, ना आते हुए भी आने का ढोंग करना बहुत गलत है, खासकर पढ़ाई में अगर आप ऐसा कर रहे हो, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में, ना आते हुए भी अगर आने का ढोंग कर रहे हो यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है, नहीं आ रहा है, खड़े हो जाओ बिना किसी शर्म के, ये बताओ कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम आपके लिए कोने में नहीं चलेंगे, सर कोने में चलो हम आपको बताते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए। अब बिंदास बोलो, क्योंकि आप सीखने आए हो ना, किसी से अपने शर्म छुपाने आए हो, बात समझ आ रही ना, समझ आ रही तुम्हारी बात, तुम्हें सोचना है। और ये दूसरी बात, अगर हमने ये मान लिया हमने ऐसा रख दिया तो तुम्हें सोचना है इन्होंने कैसे रखा, अगर तुम निकाल पाए तो समझ में आया, अगर तुम मन में कर रहे हो अपने आप से और निकाल पा रहे हो तो समझ में आया, और नहीं कर पाए तो नहीं आया, तुरंत पूछो कि सर इसमें क्या हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात को, उसको सोचो क्या यही होता है कुछ और होता है, डिस्कस करो अपने आप से, हमारी बोली हुई बात को तुरंत मान मत लिया करो, उस पर डिस्कस किया करो खुद से तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सीधे मान लोगे तो छोड़ दोगे, ठीक है ना, मान लोगे तो छोड़ दोगे उस बात को, फिर ध्यान नहीं दोगे, नहीं मानोगे तो डिस्कस करोगे। मेरे पास समझ में आ गई ना तुम्हें बहुत अच्छे से, कि डाउट है बोलो, समझ में आ गई। चलो अगला तुम्हें बताना है फिर से, अभी तुम्हें बताना है इसमें कॉट का बताना है, बताओ कॉट का क्या होगा, थोड़ी बुद्धि लगाओ आ जाएगा बहुत जल्दी। एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे भी टैन को उल्टा होता है कॉट, इसका मतलब इसका उल्टा आएगा, बुद्धि चल जानी चाहिए ना। अगर हमने पूछा कॉसेक का तो बोलो कॉसेक का क्या आएगा, ठीक गलती, वन अपान एक्स, कैसे वन अपान एक्स आया बताओ, कर्ण कौशिक का क्या होता है, कौशिक का क्या होता है बोलो, आधार कहाँ आ गया इसमें कौशिक में,
कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन है? ये लंब है, कर्ण नहीं है, कर्ण एक है इसमें। लंब कौन है? लंब कौन है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? अच्छा हाँ, और कर्ण कौन है? अभी तक फॉर्मूले कैसे बता रहे थे, इतना नहीं समझ में आ रहा है? कर्ण एक है, और वैसे भी कर्ण बटे तुमने बताया लंब, तो ये आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये वैसे भी साइन को उल्टा है, तो इसका उल्टा कर दो, सीधे आंसर आ रहा है। हैं, मेहनत करो घर में, नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर लो अच्छे से। ये वीडियो बिल्कुल कट नहीं होगी, ये सब जाएगा, ठीक है? गगन नाम है इस लड़के का, जान लो, वो तुम्हारे घर में वीडियो क्लिप बना के भेजेंगे। रुको जाओ, बैठो। हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करोगे नहीं तो गड़बड़ है। अगला मैं पॉइंट बात करता हूँ, चलो अगले आ जाते हैं। टैन के टर्म में टैन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? टैन इनवर्स एक्स, ठीक है? चलो टैन इनवर्स एक्स के लिए कहानी करते हैं। तो टैन इनवर्स एक्स, टैन में फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टैन में फार्मूला क्या होता है? टैन का एक फार्मूला जो तुमने पढ़ा था कक्षा दस में, लाल बटे कक्का से, बताओ। बोलो, तुम बोलो महाराज। लंबटे आधार क्या होता है इसने? लंबटे आधार, यहाँ तो लंब कौन है, आधार कौन है? हाँ, लंब है एक्स, आधार है एक, ठीक है? परपेंडिकुलर एक्स हो गया और बेस हो गया वन। क्या निकालना है तुम्हें? अरे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण में कितना है वैल्यू? कैसे निकालोगे कर्ण तुम बताओ बेटा, क्या होगा कर्ण? क्या बताया इसने? हाइपोटेनियस अंडर रूट। कुलदीप बेटा पढ़ लो, समझे ना, नहीं मार देंगे थप्पड़ तुम्हें खींच के। इतना टाइम पास मत करो कि फिर हमें गुस्सा आने लगे, ठीक है? हजार टाइम पास हमें पसंद नहीं है। बैठो, तुम बताओ बेटा बहुत अच्छे से, तुम बताओ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स में बताओ क्या होगा? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। बैठो, तुम बताओ सही बताया इन्होंने गलत बताया? सही बताया। अब बताओ कॉस में क्या होगा? हाँ जी, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। बैठो, क्या इन्होंने सही बताया? सही बताया। तुम बताओ इसमें कॉट का क्या होगा? वन अपॉन एक्स, क्योंकि टैन को उल्टा होता है। बैठो, तुम बताओ इसमें सेक का क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? तुमने ये बताया फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? कर्ण बटे आधार, आधार कितना है इसमें? वन। तो तुमने क्या लिखा, क्या लिखे इसके जगह पर? ये लिखे ना केवल, और बुद्धि नहीं चल रही है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का खाली उल्टा कर देना है, बस बता देना है। हैं, इतनी तो बुद्धि चल रही है ना। हटो, तुम महाराज बताओ, तुम बताओ कॉसेक का। बैठो, इसने बुद्धि लगा ली, इसका उल्टा किया इसने और कुछ नहीं सोचा, क्यों? बोला जी तो देखो इसने बुद्धि लगा ली और बता दिया आंसर। तो मेरा कथन ये है कि सही ढंग से सोचो आप, ठीक है? क्या ये फॉर्मूले बनाने आए? बोलो आए। अभी कहाँ आए? अभी तो डिस्कस करना स्टार्ट किया है, अभी कहाँ आए? अब आएंगे, अब आएगा फार्मूला। अब हाँ भवानी, खड़ी हो, खड़ी हो, बस उसको रख दो, बहुत हो गया टाइम पास। साइन का बताओ क्या होगा इसमें? फॉर्मूला बताओ इसमें क्या होगा साइन का? साइन का क्या होगा? एक्स अपॉन अनरूड, एक्स अपॉन अनरूड वन प्लस एक्स स्क्वायर। खड़ी हो रिया, बताओ इन्होंने क्या सही बताया?
बोलो सही बताया, सही बताया। क्या होता है फॉर्मूला सिक का, क्या निकालना है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या बनेगा? सिक क्या होता है फिर से बताओ? कर्ण बटे आधार होता है। एक कर्ण बटे आधार होता है ना, और यहाँ क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलो वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, खड़ी हो तो बताओ सही बताया गलत बताया? ये सही है पक्का? चलो ठीक है साइड उठो। हाँ तुम बताओ बेटा, खड़े सही बताओ गलत बताया इन्होंने? क्या सही बताया है? अरे ये पूरा सही है, तुम बताओ बेटा सही है गलत? ये वाला फॉर्मूला सही है गलत? सही है, सही है पक्का? यस नो? सही है, वेरी गुड। अब बताइए ये फॉर्मूला सही है? सही है, वेरी गुड। तुम बताओ गलत है, जो हो गया सो हो गया। तुम बताओ क्या गलत है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इस लड़की ने बताया। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? सपना। तो सपना ने बताया कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। पहले बोला है कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। भैया जी ये क्या बोल रहे हो? आधार बटे कर्ण बोल रहे हो, मतलब आधार मतलब ये बेस हो गया, कर्ण मतलब हाइपोटेनस हो गया। जब आधार और कर्ण बोल दिया तो निकालना क्या हो गया? लंब। तो लंब और साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी जो निकाल रहे हो वो लंब है, और वह लंब हुए मैं यहां रखना है। ये गलत है, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कर्ण वन है ना, तो ये क्या होगा अंडर रूट वन माइनस, ये क्या लिखा है? अच्छा अपॉन एक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ कर्ण वन है। तुम बेटा नशा उशा करके आई हो क्या? बताओ पहले तुम बताओ नशा उशा करके आए हो क्या? दिखाइए रुको ये, अरे भाई चुप रहो, ये दिखा रही कुछ? हाँ दिखा, हाँ बताइए। आधार ये सेक लिखा है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? दिखाओ क्या है कर्ण, दिखा लिया? ये दिखा चुकी है यार, मतलब इतनी तो बुद्धि लगा लो कि कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे क्या नहीं लग रहा है, क्या बेसिक फॉर्मूले तो क्लियर होने चाहिए। यस या नो? क्लियर होने चाहिए ना? ये फॉर्मूला सही है गलत बोलो? सही है। यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, इसने देखो पकड़ा, क्योंकि यहाँ कर्ण कौन है? एक्स है। अब फॉर्मूला सही होगा। लड़का खड़ा ना हो बेटा, खड़ा हो जरा। क्या नाम है आपका? निरंजन साहू। निरंजन साहू के लिए भाई तालियां करो। अरे निरंजन साहू के लिए तालियां करो, मतलब इतने बड़े महफिल में किसी ने ये नहीं पकड़ा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है आपका आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का वर्ग। और यहाँ सोचो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, यहाँ कर क्या रहे हैं सभी लोग? आधार का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग कर रहे हैं, और ये बताया भी जा रहे हैं और सही भी बोल रहे हैं, सभी सही बोल रहे हैं। मतलब ये तो लीला परंपार हो गई, ये फॉर्मूला गलत है ना, अभी ये फॉर्मूला गलत है। सोचो थिंकिंग कितनी अच्छी है तुम्हारे लोग की। ये फॉर्मूला क्यों गलत है? क्योंकि यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए था साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब सही है, अब बोलो सही है? हमने पहले बोल दिया था, कभी भी डिसीजन मत बनाओ तुरंत ही देखते ही, डिसीजन बना लिया नहीं सही है यार, इन्होंने बताया, इतना विश्वास किसी पे मत करो। हमने पहले बोल दिया यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, तो इतना विश्वास किसी पे मत करो कि यार ये बताएंगे तो सही बताएंगे, बिल्कुल गलत बात, कुछ भी हो सकता है। जब तक तुम्हें अनुभव ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक सही है गलत का निर्णय मत लो। डिस्कस करो खुद से कि कहाँ सही है, कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं इसमें। अभी हम डोमेन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, अभी डोमेन पर डिस्कस करने लगे तो और हैरानी हो जाए। अभी हम डोमेन पर चेंज ही नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेंज डोमेन से कोई दिक्कत ही नहीं मैंने ले रहा हूँ, बात समझ नहीं समझे? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो समझ आया? खड़े रहो, बैठ बैठ जाओ रेंजर, बैठ जाओ, तुम लोग तभी बैठोगे जब बताओगे, है ना, खड़े रहो। अब अगला फॉर्मूला, बस सही,
एक फॉर्मूला निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है कि साइन इनवर्स इसमें आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स आएगा। बहुत सही, ठीक है, एक फॉर्मूला बना। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लिया जाए, इसमें जिससे पूछेंगे है ना वही बताएगा। अभी लड़कियों में कोई बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ है। हाँ जतिन तुम खड़े हो, तो जतिन बताएंगे कि टैन इनवर्स में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर। हाँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन। देखो दद्दा ने बताया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, दद्दा ने बताया, सही बताया, बोलो सही है ना। अब ये सही गलत निर्धारण तुम्हारे ये भाई साहब करेंगे, अगर ये सही बोल दिया तो मान लेंगे। खड़े हो महाराज? हाँ बताओ सही है गलत? गलत है। अब तुम सही बताओ यार, दल बदलू हो यार तुम, पहले गलत बोलते हो फिर सही बोलते हो, दिख क्या रहा है तुम्हें? पहले क्या बोला जन्मिन, दिख क्या रहा है? लिखा जो लिखा है वही उन्होंने बोला है। क्या लिखा दिखा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, ये लिख दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यही बोला उसने। सही है गलत? सही है, पक्का सही है, कंफर्म, क्लियर कर दिया जाए, सोच के बता रहे हो ना? ठीक है मान लिया सही है। अब आगे पूछने से कोई मतलब नहीं है, क्यों? अगर मान लो कॉस पूछेंगे तो सेक का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक पूछेंगे तो वो साइन को उल्टा हो जाएगा, और कॉट पूछेंगे तो वो टैन को उल्टा हो जाएगा। आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लड़के में दोनों बैठ जाएंगे, वे लड़कियां खड़ी रहेंगी है ना, अभी अभी खड़े रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आया इस बार कॉट इनवर्स एक्स आया। क्या आया? कॉट इनवर्स एक्स आया। अब मैं इसमें पूछूंगा सभी से कि क्या क्या वैल्यू हो जानी चाहिए है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स आया, कोई दिक्कत किसी को? तो कॉट इनवर्स एक्स। अब इससे, हाँ भाई जा इधर, अब इससे बताओ कि यहाँ पर आपका साइन इनवर्स क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, हाँ तुम बताओ भवानी साइन इनवर्स क्या होगा। तेज बोलो और क्लियर बोलो, मन में ना बोलो, उसका मत देखो अपना बताओ। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, चलो ठीक, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या? अपॉन वन। देखो दीदी का आंसर आया, बच्चा दीदी का आंसर आया, दीदी का आंसर क्या आया? दीदी का आंसर क्या आया? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन, पक्का है तुम्हारा आंसर हो गया। तुम बताओ सही है गलत? सही है। देखो इन्होंने मोहर लगा दी, इन्होंने मोहर लगा दी है, सही ही दी है, ठीक है। तुम बताओ सही है, फिर बोल रहा हूँ किसी का डिसीजन नहीं ले, मतलब सही है गलत? सही है। तुम बताओ एक्स अपॉन वन होगा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग, बेटा तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर आएगा एक्स अपॉन वन, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग यही पूरा आ जाएगा। तुम भी बहुत अच्छा सोच रही हो। लो एक सुनो भाई, एक आंसर मेरे पास और आया है, बहुत ही अच्छा आंसर आया है, आया है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स बाई वन होता है। बहुत अद्भुत आंसर है ना, मस्त आंसर, एकदम आश्चर्यजनक करने वाला आंसर। हाँ बिटिया तुम बताओ जरा। देखो दीदी ने बताया है कि साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वन, अच्छा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लो भाई इस लड़की ने बताया है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो तीन आंसर आ चुके हैं, अब ये देखो यही भौकाल है फॉर्मूले का। हाँ बेटा तुम बताओ सही है गलत? श्रेया सही है गलत? पक्का है सही है? अरे बोलो पक्का है सही है? श्रेया बेटा तुम भी दूसरे चक्कर में जाने लगे हो ना, तुम बताओ सही है गलत? सही है भाई, धमकी साथ बोली सही है, ठीक है चलो मान लिया सही है कुछ देर के लिए। हाँ जी
गगन। फिर नंबर आया, सही है गलत? सही है। क्या सिस्टम इसमें बना, ये तो क्या सिस्टम बना इसमें, क्या सेंस लगाया गया इसमें? हाँ, आधार बटे लंब था, ठीक है, वेरी गुड। कर्नल पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला, वेरी गुड। कर्ण था, वेरी गुड। गगन ने इस बार बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ आंसर दिया है, और मैं इस जवाब को हाँ बोलता हूँ, लॉक करता हूँ। इसको क्या किया जाए? लॉक किया जाए, क्योंकि सही आंसर है। बोलो सही है नहीं है? है, ये सही आंसर है। गगन बैठ जाओ बेटा, और क्या नाम है, क्या नाम इसका, शिखा, शिखा बैठ जाओ बेटा। शिखा ने हिम्मत दिखाई और सही आंसर निकाल के बैठ बता दिया है ना। अब गगन डांट के देखो असर होने लगा, थोड़ी बहुत बुद्धि चलने लगे हो, बुद्धि चलाओगे तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। डांट का थोड़ा बहुत असर हुआ भाई, बोलो फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, तो साइन इनवर्स का ये दोनों फॉर्मूले गलत थे, महागलत, एक होता है गलत, एक होता है महागलत थे, ये महागलत फॉर्मूले थे, ये सही आंसर है। तो इसमें लॉक किया जाए, साइन इनवर्स 1/√1+x² को लॉक किया जाए, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, और जो कि इसमें है बेटा सेक इनवर्स, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, बातें नहीं, फिर अब तुम्हें ही बताना है, भवानी तुम्हें, क्या नाम, श्रेया, श्रेया तुम बताओगी अब। √1+x² √1+x² / x, तो मतलब सही है गलत? सही है। क्यों सही है? सेक होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, हाँ आधार x है, ठीक है। बैठो, दोनों बैठ दो, ठीक है। समझ में आया कुछ? जब आप सही ढंग से समझते हो चीजों को तो अच्छे से आप बता पाते हो। अब एक पॉइंट और आता है, सुनिए, एक पॉइंट और आता है, इसका आंसर देना है। 1/x का फॉर्मूला कॉट इनवर्स में बताना है, तुम बताओ हमें। तुम बताओ, √1+x² / x, ठीक है। तुम बताओ भवानी, अरे लड़की कॉपी पेन नहीं चलाना है, बुद्धि चलानी है, कम चले खड़े रहो, तुम्हारा कॉपी पेन नहीं चलाना, फिर बोला बुद्धि चलाओ, तुम्हारा भवानी पीछे, इन्हें बताया √1+x² तुम्हें ये था ना, √1+x² / x, इस लड़की ने यह बताया, बोलो सही है गलत? तुम उससे पूछ रहा हूँ, सही है गलत? सही है। तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ सही है गलत? तुमसे पूछ रहा हूँ, सही है गलत? इतना टाइम नहीं बेटा, जल्दी बोलो। √x² + 1/ अच्छा 1+x² या x² + 1 में क्या डिफरेंस है? तो फिर इसका मतलब ये सही है, नीचे वन होगा, चलो अच्छा, इसका मतलब अब सही है, अब सही है। हाँ जी, कितने बच्चे ये बोलते हैं कि ये वाला फार्मूला सही है? हाँ गलत है, कितना गलत, थोड़ा गलत, बहुत गलत, निहायत ही गलत। लो बच्चों ने बताया निहायत ही गलत है। क्या नाम है बच्चों ने? खुशी, फिर दूसरा रिया, तीसरा संजना, और चौथा स्वाति। ये चार मूर्तियां ऐसी हैं जिनको इतने मौके दिए गए, जिसको अगर हम बोल रहे हैं ऐसे एक दो मौके समझा दिए जाए, है ना, क्लियर करा दिया जाए, तो मुझे लगता है वो बता देगा, लेकिन इनको काफी मौके दे दिए गए, लेकिन ये अभी एक भी आंसर सही नहीं बता पाए। बताओ
वारी, ये तुम्हारे घर में ये वीडियो सेंड की जाएगी और दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ ये सिस्टम है बच्चों के, है ना, समझो। अब मैं खड़ा करता हूँ एक बच्चे को, हाँ सैलन खड़े हो जाओ, बता बेटा इसमें फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, दद्दा का आ गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, आगे अपॉन वन आ गया, ठीक है। रंजन साहू सही है गलत? जी सही है, कैसे सही है यह समझाओ मुझे। अपॉन वन, क्योंकि यहाँ पे लंब कितना है वन। बैठो बैठो बैठो, तुमने भी सही बताया। बताओ ये फॉर्मूले बनाने आए नहीं आए, अच्छे से आ गए? सभी के कॉपी में हर एक फॉर्मूले के सभी टाइप के फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, साइन का भी हर एक सभी में रिलेशन बताओ, साइन का टैन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, सभी का जैसे मैंने बनाए हैं ना वैसे सेम आपको बनाने हैं, और साथ ही साथ ठीक है क्या बताना है, प्रूव करके बताना कि इसमें कर्ण ये है, लंब ये, आधार ये भी बताना है, ताकि तुम्हारे सामने ये भी पता चले हाँ कैसे बना। अभी पढ़ रहे हो तो पता है, नहीं बाद में भूल जाओगे, तो उसके लिए तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करके आनी। बोलो समझ में आया? आ गया। एक फॉर्मूला और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो खड़े खड़े समझो, है ना, मुझे एक फॉर्मूला बताओ, सब लोग पहले से डिस्कस कर लेते हैं, बैठ जाओ नहीं तो गाली दे रहोगे मन ही मन, हमें ना तो खुद को दो गाली, है ना, तो काम देगा। टैन वर्स एक्स प्लस, सॉरी पहले तुम बताओ मुझे, टैन एक्स प्लस वाई, टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, अपॉन टैन एक्स इंटू टैन वाई। अभी हम ऐसा मानते हैं जो मेरा x है वो भी पॉजिटिव है, y वो भी पॉजिटिव, जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन वन है, कुछ ऐसा मानते हैं। अभी इस पर डिस्कस करेंगे ना, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बताओ ये पॉइंट सबको याद है ना फॉर्मूला, कहानी क्लियर है? मेरा फॉर्मूला बनता है इसी फॉर्मूले से, आता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का, बोलो क्या होगा, देखो फॉर्मूला बना टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, बताओ फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत आई? फॉर्मूला बना नहीं बना, अपने आप से बना, इसी की सहायता से बना। ऐसा लग रहा है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इधर के सारे टैन से छीन लिए गए, तो बचा इधर एक्स, इधर बचा वाई, इधर बचा वन माइनस एक्स वाई। ये कोई रूल नहीं है, ये एक ट्रिक है जो मेंटली लगा के तुम फॉर्मूला बता सकते हो, ये कोई रूल नहीं है। ऐसा लगा यहाँ से सारे टैन क्या कर लिए, छीन ले गए, इधर भी दिया गया तो हो गया टैन इनवर्स एक्स, इनको दिया तो टैन इनवर्स वाई हो गया, और इसको इधर भी दिया तो हो गया टैन इनवर्स, और जो बचा था क्या था एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वो लिख दिया गया। बोलो कहानी समझ में आई नहीं आई? आ गई, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से फॉर्मूला बनेगा ही तो कन्फर्म हो गया। अब बात करते हैं प्रूफ की, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्लियर हुआ? इसको प्रूफ करके देखते हैं, तो हम उठाते हैं इसका राइट हैंड साइड, कहानी क्लियर है? राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं यहां पे ले लेता हूं तो टैन इनवर्स, अब यहां पे देखिए तो हो जाएगा टैन इनवर्स, अब ये बताओ मैं मान क्या लूं, तो मैं लेट कर लेता हूं एक्स इक्वल टू टैन ए, राइट, एक्स इक्वल टू टैन ए, y इक्वल टू टैन बी, बोलो क्या बन जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा a इक्वल टू टैन इनवर्स x, b इक्वल टू टैन इनवर्स y, बोलो कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो यहां पे रखो x की वैल्यू टैन इनवर्स a, सॉरी टैन a, y की वैल्यू टैन b अपॉन वन माइनस टैन a इंटू, बोलो कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूला है?
किसका फॉर्मूला है? टेन ए प्लस बी का। किसका है? टेन ए प्लस बी का। वेरी गुड। तो टेन ए प्लस बी का, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, तो टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, समझ में आया? अब इसको a प्लस बी के इक्वल कब लिख सकते हैं? इसको हम a प्लस बी के इक्वल कब लिख सकते हैं? जब ये इसके रेंज में आ रहा हो, जब ये इसके रेंज में आ रहा हो। अगर ये इसके रेंज में ना आ रहा हो तो उसको लाएंगे। समझ में आएगा बात? मतलब प्रूविंग, ये अगर देखा जाए रियलिटी में तो ये फार्मूला ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। कि x की कोई भी मान आ जाए, y का कोई भी मान आ जाए, ट्रू है। चलो इसकी प्रूव ही कर लेते हैं। अभी अभी तुम्हारे यहाँ पॉजिटिव के लिए होता ना केवल, तो अभी हम तुम्हारे यहाँ प्रूव कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी रखेंगे?